बच्चों आज हम लोग क्लास सिक्स में होम साइंस पढ़ेंगे चैप्टर ट्वेल्व ठीक है क्या है चैप्टर ट्वेल्व का नाम तो धुलाई कला आज हम लोग धुलाई कला के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो चलिए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं नीना आज एक पार्टी में गई थी उसके बगल में बार बार नाक पर रुमाल रखती रेखा भी बैठी हुई थी तभी वहाँ मीना आई वह जो ही नीना के बगल में बैठी कि अचानक उठी और छी छी करती हुई आगे की सीट पर बैठ गई थोड़ी देर बाद रेखा भी उठकर आ गई मीना ने रेखा से कहा रेखा तुम्हें नीना के पास से नहीं आना चाहिए था बेचारी क्या सोच रही होगी तो बच्चों ऐसा क्यों हुआ नीना जो थी वो बदबू दे रही थी यानी कि उसके बगल में जो भी बैठा बैठता था तो उसको बदबू लगती थी तो इस वजह से वो नाक पे रुमाल रख लेती थी ठीक है तो क्या हुआ कि नीना जो थी जब पार्टी में गई थी तो उसके बगल में बार बार नाक पर रखती थी कौन रेखा तो नाक पर रुमाल रखने वाली जो रेखा थी उसको बार बार नीना की बदबू लगती थी पसीने की बदबू लगती थी तो इस वजह से वो बार बार नाक पर रुमाल रखती थी तो अब आप बता सकते हैं कि रेखा और नीना ने ऐसा क्यों किया उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि नीना ने जो कपड़े पहने थे उनमें से बदबू आ रही थी तो हम प्रतिदिन स्नान करते हैं तो नियमित प्रयोग में आने वाले वस्त्रों को भी धोता धोते रहना चाहिए गंदे कपड़े पहनने से हमारे स्नान करने का कोई अर्थ नहीं रहता है यानी हम नहा लिए फिर अगर हम गंदा कपड़ा पहन लिए तो उस गंदे कपड़े से बदबू आती रहती है तो इस प्रकार क्या होगा हमारा नहाना बेकार जाएगा तो इस वजह से क्या हुआ कि वो जो नीना थी वो बदबू दे रही थी इस वजह से वो उ, उ, उ रेखा और आ, मीना ने क्या किया उस न, अपने वहाँ से हटने लगी और चीची करके वहाँ से हट गई ठीक है तो इस तरह से हुआ क्या फिर कि जब हम अपने कपड़े को अच्छी तरह से साफ से धोते हैं तो बद, कपड़े से कभी बदबू नहीं आती है तो नियमित रूप से कपड़ों की धुलाई शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होता है तो आइए जाने कि वस्त्र किस कारणों से धोते हैं क्यों धोते हैं क्योंकि कपड़ों की सफाई के लिए धोते हैं कपड़ों में दुर्गंध ना हो इसलिए धोते हैं उसकी सुंदरता के लिए धोते हैं उसके सुरक्षा के लिए धोते हैं उत्तम स्वास्थ्य के लिए हम साफ़ सुथरा कपड़ा पहनेंगे तो स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और व्यक्तिगत में निखार होगा यानी देखने में भी सुंदर लगेंगे आगे हम लोग पढ़ेंगे वस्त्रों को धोने से होने वाले लाभ क्या क्या लाभ होते हैं हम लोग उस पर देखते हैं तो वस्त्र जब धोया जाता है तो वो क्या होता है बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदरता उसकी बढ़ जाती है चमक आ जाती है कपड़ों में और मन भी प्रसन्न रहता है फिर है, अगर पार्टी समारोह में शादी ब्याह में उठने बैठने और बातचीत में हिचक नहीं होती है अच्छा कपड़ा पहन के बैठो तो खुद को भी अच्छा लगता है और आ, अंदर से बहुत खुशी होती है तो इस तरह से कोई बैठता है देखता है अच्छा कपड़ा है सुंदर कपड़ा है अच्छे लग रहे हैं तो लोग खुश होते हैं फिर क्या है कि स्वयं कपड़े धोने से कपड़ों की सफाई अच्छी होती है और अपना शरीर पर्याप्त मेहनत से स्वस्थ होता है यानी कि हमको अपना काम स्वयं करना चाहिए अपने कपड़ों को खुद धोइए ठीक है बच्चों तो मनुष्य के स्वास्थ्य का कपड़ों की धुलाई के साथ गहरा संबंध होता है हमें अपने नियमित प्रयोग में आने वाले वस्त्रों जैसे पहनने ओढ़ने बिछाने अन्य प्रयोग में आने वाले वस्त्रों की नियमित रूप से धुलाई करते रहना चाहिए अब धुलाई करने से पहले हम किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे इसके बारे में जानते हैं तो देखिए कि अगर सफ़ेद कपड़ा है तो उसको रंगीन कपड़ों से अलग धोना चाहिए देख लेना चाहिए कि कोई कपड़ा फटा है या जला तो नहीं है यदि जला है अगर वो जला हुआ है तो उसकी मरम्मत करने के बाद धोना चाहिए यदि हम उसकी मरम्मत नहीं करते हैं जला कपड़ा है और उसको धोने लगते हैं तो क्या होगा <coughs> उसको धोने से क्या होगा कि वो जो जहाँ पर जला हुआ है वो और ज्यादा फट जाएगा धोने से पूर्व कपड़ों की जेब को भी चेक कर लेना <coughs> चाहिए कि कहीं कोई उसमें रुपए तो नहीं है या रुपए पैसा या कोई ज़रूरी कागजात तो नहीं रखा है तो इस वजह से उसको धो ले चेक कर लेना चाहिए रोगी के वस्त्रों को अलग गर्म पानी में उबाल कर अच्छी तरह से धोकर धूप में सुखाएं ताकि उसमें जो भी इन्फेक्शन है जो भी कीटाणु हैं वो दूर हो जाएं कपड़ों में साबुन शेष ना रहे यानी इसके लिए उसे पानी में अच्छी तरह से खंगाल लें अच्छी तरह से कई बार तीन पानी से उस कपड़ों को धोएं ताकि उस कपड़ों में पानी उन कपड़ों में साबुन की के जो शेष कोई भी साबुन उसमें ना रहे अच्छे से साफ हो जाए यदि साबुन नहीं रहेगा तो कपड़ा क्या होगा कपड़ों को अच्छी तरह साबुन मतलब कि ऐसे धोएं कपड़ों को कि उसमें साबुन ना लगा रहे तो क्या होगा कपड़ों पे साबुन का दाग लगा रहता है तो साबुन ना हो तो पानी में ही कपड़ों को थोड़ी देर डालकर धो लें और अच्छे से उसको धुल करके और धूप में डाल देना चाहिए ठीक है धुलाई के लिए आवश्यक सामग्री तो धुलाई के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि बाल्टी है मग है टब है पिटना है पिटना क्या होता है पिटना होता है तौलिया और चादर की मैल छुड़ाने के लिए एक अ, उसको पीटने के लिए पीट पीट कर धोया जाता है कपड़ों को ठीक है तो ये लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा होता है बड़ा टुकड़ा होता है जिस जो बारह से पंद्रह इंच लंबा होता है ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब लगभग इतना ही लंबा होता है और पीछे की तरफ लकड़ी का हत्था होता है जिसको तो पकड़ करके लोग पीटते हैं कपड़ों को धोते हैं धो भी लोग खास करके ठीक है ब्रश होना चाहिए रस्सियाँ है, हैंगर और क्लिप जिसको जहाँ पर टांगा जाता है कपड़ा धोने के बाद फिर वॉशिंग मशीन है उसमें भी धो सकते हैं मेज़ तथा स्लीव बोर्ड जिस पर हम अच्छे से कपड़े को रख करके प्रेस कर सकते हैं उसके बाद स्त्री होनी चाहिए प्रेस करने के लिए अच्छे से आगे हम लोग पढ़ेंगे नील लगाना नील कैसे लगाएंगे कपड़ों में तो सफ़ेद कपड़ों में नील के प्रयोग से क्या होता है चमक बढ़ जाती है कपड़ों की संख्या के अनुसार पानी ले करके उसमें तीन चार बूंद नील डाल करके हाथ से मिला देते हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर बाद कपड़ों को अच्छे से थोड़ी देर के लिए पानी में ही भिगा देते हैं फिर उसको बाहर निकाल कर सूखने के लिए फैला दिया जाता है अब हम लोग पढ़ेंगे कलफ लगाना कलफ कैसे लगाया जाता है बच्चों तो देखिए कपड़ों में कड़ापन लाने के लिए कलफ का प्रयोग किया जाता है तो कलफ कितने प्रकार के होते हैं कैसे कैसे लगाया जाता है तो मैदा है अरारोट है चावल या साबुदाने का पानी क्या बाजार में उपलब्ध उपलब्ध है क्या है रिवाइव का प्रयोग करते हैं कलफ लगाने के लिए कलफ के पतले घोल में खुले कपड़ों को डाल दें सफ़ेद कपड़ों में नील करते समय ही कलफ कर सकते हैं थोड़ी देर घोल में रहने के बाद कपड़ों को निकालकर सूखने के लिए डाल दें उसके बाद आवश्यकता के अनुसार क्या करें अधिक कपड़ों को न निचोड़े यानी ज़रूरत डालने के बाद क्या है कपड़ों को ज़्यादा न निचोड़े वरना क्या होगा कलफ जो होता है कपड़े जो होंगे वो बहुत सिकुड़ जाएंगे मुड़ जाएंगे कलफ बनाना कैसे सीखेंगे हम लोग तो सूती कपड़ों में कड़ापन लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है अरारोट का कलफ है यदि दो चम्मच अरारोट लिए हैं तो आधा चम्मच उसमें सुहागा डालेंगे और चौथाई चम्मच पिसा हुआ मोम इस तरह से हम वो अरारोट का कलव तैयार करते हैं फिर उपर्युक्त सामग्री कैसे विधि क्या है कि थोड़े से ठंडे पानी में घोल करके उबलते हुए उबलते पानी में डाल देते हैं और चम्मच से चलाते रहते हैं जब घोल गाढ़ा हो जाता है तो उतार करके ठंडा कर लेते हैं और उसका प्रयोग किया जाता है फिर चावल का कलफ कैसे तैयार करते हैं तो चावल का कलफ तैयार करने के लिए चावल का माड़ निकाला जाता है दो चम्मच चावल का माड़ चौथाई चम्मच पिसा हुआ मोम क्या करते हैं कि अच्छी तरह से मिला करके पानी में और गर्म पानी में ठीक है उसको डालते हैं और उसके बाद मिश्रण का रंग हल्का नीला ना हो जाए यानी कि जब तक उसको गर्म हिलाते रहते हैं मिलाते रहते हैं जब तक उसका रंग नीला ना हो जाए ठीक है उसके बाद हम लोग उसको प्रयोग में लाते हैं मैदा का मैदा का कलफ कैसे होगा तीन चम्मच मैदा है आधा चम्मच सुहागा है चौथाई चम्मच पीसा हुआ मोम फिर उपर्युक्त सामग्री को पानी में मिलाकर आग पर चढ़ा देते हैं इन सारे सामान को ठीक है फिर चम्मच से चलाते रहते हैं ले के समान गाढ़ा होने होने पर इसे कपड़े में छान लेते हैं तथा ठंडे पानी में मिलाकर इसका प्रयोग करते हैं फिर है प्रेस या स्त्री तो कपड़ों की सिकुड़न और उसमें बचे हुए कीटाणुओं को समाप्त करने के लिए उसे स्त्री या प्रेस किया जाता है यानी कि, कि क्या किया जाता है जब प्रेस करते हैं तो कपड़ों को सुखाने के लिए कपड़ों को में जो चमक लाने के लिए और सिकुड़न दूर करने के लिए सूती वस्त्रों पर प्रेस करना यानी जो सिकुड़न होती है उसको भी सूती वस्त्रों पर प्रेस करते हैं जो शिकन होती है वो सब दूर करने के लिए अब देखिए वस्त्रों पर प्रेस करने से लाभ क्या होता है कि उसमें चमक आती है मैलापन दूर हो जाता है और जल्दी से वो मैला भी नहीं होता है और देर से गंदा होता है फिर उसके बाद वस्त्र की सलवटें खुल जाती हैं यानी जो भी सिकुड़ापन होता है वो दूर हो जाता है और देखने में अच्छा लगता है धुलाई से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव है यानी घर के प्रत्येक सदस्य को कोशिश करनी चाहिए कि वो कपड़े को स्वयं धोए और वस्त्र जैसे बनियाइन है और बहुत सारी चीज़ें हैं इन सारे कपड़ों को नियमित रूप से धुल करके और धूप में सुखाएं बच्चों में कपड़े धुलवाने की आदत डालनी चाहिए इससे आदतों में सुधार होगी यानी कि इनकी आदतों को सुधारने जो गलत कर रहे हैं अच्छी तरह से नहीं धो रहे हैं तो उनको सुधार करके धोएं ठीक है जो चीज़ नहीं आ रहा है वो फिर वो अपने से बड़ों से पूछे कैसे धोना चाहिए कितना क्या चीज़ लगाना चाहिए उसमें और कितनी बार पानी से खंगाल करके धोना चाहिए सब चीज़ें बड़ों से पूछी जाती है फिर वस्त्रों की सुरक्षा कपड़े अधिक समय तक सुरक्षित व ठीक ठाक रहे इसके लिए बहुत सारी बातों को हमको ध्यान में रखना है कपड़ों की धुलाई के बाद जब वे भली भांति सूख जाए तो उसको बिल्कुल नमी ना रहे तो क्या करना चाहिए कि तय लगा करके और रखना चाहिए इससे फफूंदी लगने का डर अगर नमी रहेगी तो फफूंदी लगने का डर रहता है वस्त्रों के सूख जाने पर उनके तंतुओं के ताप सहन करने की शक्ति के अनुसार उस पर भली प्रकार से प्रेस रखनी चाहिए यानी कि बहुत तेज गर्म प्रेस भी ना रख दे वरना क्या होगा कपड़ा जल जाएगा जिस अलमारी या संदूक में वस्त्रों को रखा जाए वो युक्त ना हो ठीक है उसमें नमी ना हो फिर सुंदर संदूक में कपड़े रखने से पूर्व एक स्वच्छ सूती कपड़ा बिछा देना चाहिए ठीक है इसके बाद ही कप अन्य कपड़ों को रखना चाहिए कपड़ों के ज़रा सा भी फट जाने पर उन्हें तुरंत सील कर रखना चाहिए ठीक है और एक कपड़े को निकालते समय बाक़ी मुड़ने नहीं चाहिए ठीक है इस बात का हमको ध्यान रखना है तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हमको विशेष ध्यान देना है इसके बाद है कि उन्हीं वस्त्रों को सर्दी समाप्त होने के बाद ट्रंक में फिनाइल की गोलियां मिला करके और नीम की पत्ती या नीम की पत्ती स्वच्छ स्वच्छ कपड़ा बिछा करके तब रखना चाहिए इसको ठीक है जरी व बनारसी कपड़ों को अखबार या कपड़े में लपेट करके संदूक में रखते हैं ठीक है तो ऊनी और रेशमी कपड़ों को तीन चार माह बाद थोड़ी धूप दिखाते रहना चाहिए फिर एक गर्म पैंट कोट ओवर कोट ये सारी चीज़ें वो हैंगर में अलमारी में टांगने के बाद उस पर कपड़ा लपेट देना चाहिए ठीक है इस तरह से कपड़ों की सुरक्षा की जाती